हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये मोटा का फ़ोन है, ठीक है, जो कि चालू नहीं हो रहा है। इसका मॉडल है XT1762, मॉडल XT1762। चलिए दोस्तों मैं इसका शॉटिंग दिखा दे रहा हूँ आपको चेक करके। यह फ़ोन हालांकि चालू नहीं हो रहा है, ठीक है, आइए हम आपको दिखा रहे हैं आपको। इसमें बोर्ड में शॉर्ट है, देखिए हमने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पर लिया है, देखिए लाइट जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए हम ग्राउंड को इस पर ले लेंगे, ठीक है, प्लस पॉइंट से चेक करेंगे दोनों पॉइंट की ओर। देखिए देखिए दोस्तों ग्राउंड पर, ठीक है ठीक है, लेकिन प्लस पर, प्लस पॉइंट पर ये शॉर्टिंग नहीं आने चाहिए फूल। देखिए दोस्तों ये इधर भी प्लस पॉइंट पर भी बीप दे रहा है, देखिए 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 दोस्तों प्लस पॉइंट पर भी हमारा शॉर्ट बता रहा है, जो कि इस पे शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, ठीक है। माइनस पर भी देखिए दोनों तरफ से, यानी बोर्ड में शॉर्ट है, ठीक है। चलिए इसको शॉर्टिंग को ढूंढते हैं। दोस्तों बता दो कि इस सब फ़ोन में ज़्यादातर शॉर्ट ये कैपेसिटर होता है ना, यहाँ पर कैपेसिटर दिया है 3 कैपेसिटर, यही शॉर्ट करता है जिसके कारण शॉर्टिंग होती है। यहाँ पर ये और यहाँ पर जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए हम कैपेसिटर को मापते हैं और जो शॉर्ट होगा उसको रिमूव करके देखते हैं हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 कैपेसिटर दिया है, ठीक है, इसको माप देंगे और शॉर्ट बताएगा तो इसको रिमूव कर देंगे। हालांकि ये इसको रिमूव करने से बोर्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इससे पहले मैं बैटरी को लगा कर दिखा दे रहा हूँ कि हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हम कैपेसिटर को रिमूव करेंगे। चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको बैटरी लगा कर, आइए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, देखिए मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए हम शॉर्टिंग को ढूंढते हैं, कैपेसिटर को रिमूव करके देखते हैं। दोस्तों जब भी कोई कैपेसिटर हो उसको दोनों बल से अगर हम मापेंगे, अगर दोनों बल से बीप देगा तो हमारा कैपेसिटर ख़राब है, यानी शॉर्ट हो गया है, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हमने कंटिन्यूटर को मल्टीमीटर को ले लिया, आप चेक करते हैं, इसको ग्राउंड पर ले लिया, यहाँ पर 3 जो सीटर दिखा दे रहे हैं इसी को चेक करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए माप कर दिखा दे रहे हैं हम, देखिए दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है, ये दोनों बल से बीप दे रहा है, देखिए देखिए इसको भी वहाँ पर दूसरे कैपेसिटर को ये भी दोनों तरफ से बीप दे रहा है, ठीक है। तीसरे को मापा हमने, देखिए दोस्तों तीनों कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने तो डायोड को माप लिया है, अब चलिए उसको रिमूव करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए हम इसको आयरन की मदद से निकाल रहे हैं, ठीक है, चलिए अब इसको हम रिमूव करते हैं। देखिए दोस्तों हम करेंगे तीनों डायोड को रिमूव कर देंगे कैपेसिटर को, ठीक है। देखिए हमने तीनों कैपेसिटर को रिमूव कर दिया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों तीनों कैपेसिटर को हमने निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, देखिए। चलिए अब इसको हम मापते हैं, इसको चेक करते हैं बैटरी डाल कर कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों हमने बैटरी को डाल दिया, अब चलिए हम ऑन करते हैं, देखिए दोस्तों ऑन कर रहे हैं हम, ठीक है, देखिए
चलिए चेक करते हैं, देखिए बैटरी को फिर से लगाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, ये शायद बैटरी की इशू है इसीलिए ऑन हो रहा है।